आज जिस प्रकार का भाषण हुआ, उद्बोधन हुआ है अमित शाह, आदरणीय अमित शाह जी का, और जो आरोप पत्र में जो सच रखा गया है, मैं इतना ही और फिर कहूंगा कि अभी तक तो घबराहट थी, आज जमीन कांग्रेस के भूपेश बघेल की जमीन खिसक चुकी है। चुनाव के पहले हाथ में गंगाजल लेकर कसमें खाई गई थी सबकी सुरक्षा की। बहनें आज छत्तीसगढ़ में दुखी हैं, दलित हैं। आरोप पत्र सरकार के खिलाफ एक प्रमाणिक दस्तावेज है। सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इन घोटालों पर कार्रवाई करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ देर पहले ही आरोप पत्र जारी किया है। वो आरोप पत्र किस तरह से है, कितना इसका असर होगा, उस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री रामेश्वर नेताम यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये आरोप पत्र को किस तरह से लेते हैं? देखिए, आरोप पत्र तो ये प्रदेश में जितना गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान के लिए जितने भी योजनाएं केंद्र सरकार से लेकर के और राज्य सरकार जो तथाकथित योजनाओं के द्वारा जो जो घोषणा की है, उन सब में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, उन सब गड़बड़ियों को लेकर के जो दस्तावेज तैयार किया गया है, इससे निश्चित ही पूरे प्रदेश भर में भूचाल आने वाला है और ये प्रदेश की सरकार को उखाड़ के इसके माध्यम से हम फेंक सकते हैं, जनता फेंकेगी, ये दस्तावेज है। नहीं देखिए, इन पौने पांच साल के कार्यकाल में भूपेश बघेल का तो कार्यकाल पूरा भ्रष्टाचारों का रिकॉर्ड, तो भ्रष्टाचार हुए हैं और 36 घोषणा पत्र कोई काम हुआ नहीं, तो जनता में भारी नाराजगी है। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई और ये सरकार जाने वाली है और भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार आने वाली जनता। तो चलिए, तो आरोप पत्र जो जारी हुआ उसको लेकर काफी खुश हैं। हमारे साथ सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थ नाथ जी भी यहाँ पे उपस्थित है। इस आरोप पत्र को आप किस तरह से लेते हैं, कितना असरकारक रहेगा? देखिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी तक एक घबराहट थी कांग्रेस में और भूपेश बघेल में। आज जिस प्रकार का भाषण हुआ, उद्बोधन हुआ है अमित शाह, आदरणीय अमित शाह जी का, और जो आरोप पत्र में जो सच रखा गया है, मैं इतना ही और फिर कहूंगा कि अभी तक तो घबराहट थी, आज जमीन कांग्रेस के और भूपेश बघेल की जमीन खिसक चुकी है। इनके पास जवाब नहीं होगा और मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस को और कांग्रेस के नेता को कि एक एक आरोप पे कहीं आपके अंदर हिम्मत है तो कहीं भी खड़े हो जाएं और इसका जवाब दें कि ये गलत है और तथ्यों के साथ दें, तो फिर हम लोग उस पर बहस करेंगे। तो ये सिद्धार्थनाथ जी, इनका कहना है कि जो आरोप पत्र लाया उससे कांग्रेस में निश्चित रूप से घबराहट शुरू होगी और एक एक जो आरोप लगाए हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ और भी कुछ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। पूर्व मंत्री रत्ता उसेंडी हमारे बीच उपस्थित है। मैडम, ये जो आरोप पत्र आया है किस तरह से है, महिलाओं से संबंधित भी मामले हैं, टारगेट किलिंग की जा रही है ये भी मामला है, दुष्कर्म के मामले भी बढ़े हैं, ये सब तमाम चीजों को देखिए, जिस तरीके से भूपेश बघेल जी की सरकार है, चुनाव के पहले हाथ में गंगाजल लेकर कसमें खाई गई थी सबकी सुरक्षा की। बहनें आज छत्तीसगढ़ में दुखी हैं, दलित हैं, क्योंकि जिस तरह घटनाएं तेजी के साथ छत्तीसगढ़ में बढ़ी है और बहनें सुरक्षित नहीं है, लगातार घटनाएं, कल हाल ही में रायपुर शहर में घटनाएं हुई हैं, तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता ने, बहनों ने जो भूपेश बघेल पे भरोसा किया था वो भरोसा उठ गया है और आने वाले समय में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। आरोप पत्र सरकार के खिलाफ एक प्रमाणिक दस्तावेज है, सरकार इसका खंडन करे, सरकार इसमें बहस करे और नहीं तो सत्ता में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी इन घोटालों पर कार्रवाई करेगी और हम इसको लेके जनता के पास जाएंगे, सरकार के खिलाफ एक जनमत तैयार करेंगे। पूरी तैयारी की थी हमने, तभी तो इतने आंकड़े निकले हैं। और संक्षिप्त में जारी करना था, वो तो श्री महाभारत लिखा जाता है इनके कृत्य और कारनामों में। ये आरोप पत्र भूपेश बघेल सरकार का काल है, ये एक ऐसा अस्त्र है कि जिस अस्त्र से भूपेश बघेल सरकार निस्तानाबूद होगी और ये आरोप पत्र पूरी तरह सत्यता पर और दस्तावेजों पर आधारित है। इसलिए हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस खुले मंच पर इस आरोप पत्र के ऊपर में बहस करे और भारतीय जनता पार्टी हर मंच पर इस आरोप पत्र पर बहस करने के लिए तैयार है। देखिए, ये प्रदेश भाजपा की तरफ से आरोप पत्र जारी किया गया है और ये प्रदेश की जनता के बीच जो भूपेश सरकार ने झूठ बोला और जो प्रदेश को लूटा है, ये झूठ और लूट का
एक प्रमाणिक दस्तावेज है जिसे हम जनता के बीच में ले जा करके बताएंगे और निश्चित तौर पर इस झूठ और लूट का मुंह तोड़ जवाब आने वाले चुनाव में जनता देगी। इसमें बहुत सारा चीज लाया गया, ये फिर भी बहुत सीमित है। इनके लूट और झूठ इतने बड़े हैं, फिर भी हम लोगों ने कब इसे लाया, लगभग एक आध महीने से ऊपर ही लगा मेहनत लगा।